हे गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है आपके? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं मोटो ब्लॉग कर रहा हूं, तो मैं मोटो ब्लॉग कर रहा हूं अपने फोन से, क्योंकि आज मैं कोशिश कर रहा था कि मैं बना सकता हूं कि नहीं बना सकता। रूम पे बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि मैं भी ट्राई कर लेता हूं मोटो ब्लॉग बनाने की, कि मैं बना सकता हूं कि नहीं बना सकता। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें क्या करना पड़ता है, बोलना ही पड़ता है, बात करनी पड़ती है खुद से, तो मैं वो कर ही रहा हूँ। पर मैं इतना सोचता हूँ कि हमें व्यूज़ कहाँ रुक रहे हैं, हम इतनी कोशिश कर रहे हैं। मैं जैसे मिनी ब्लॉग बनाता हूँ तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पूरी जान लगा रहा हूँ, पर व्यूज़ नहीं आ रहे, बहुत कम आ रहे। जो आ रहे वो फेमस नहीं हो रहे, सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। पर फिर भी शौक की खातिर है, शौक है यूट्यूब बनाने का, तो बना लेते हैं, जब टाइम मिला तब बना लेते हैं। मतलब पूरा टाइम नहीं दे पा रहे इसमें, क्योंकि अपनी पर्सनल लाइफ भी हमारी, कुछ पर्सनल तो ऐसे सभी की होती है, पर कोई कोई ऐसा है ना पूरा टाइम दे पाता, हम टाइम नहीं दे पाते। शायद इसी वजह से शायद हमारे व्यूज़ कम आ रहे होने और हम ज़्यादा फेमस नहीं हो पा रहे। फेमस तो क्या ही हो गया यार, फेमस तो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं, यूके राइडर जैसे। और थोड़ी रोड गिली है क्योंकि थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, और साथ में ये जानवर जो कि रोड पे आ जाते हैं उस वजह से एक्सीडेंट होने के भी ज़्यादा खतरे रहते हैं, क्योंकि गाय वगैरह एकदम से पलट जाती है ना, तो लोग भी पता नहीं अपनी गायों को क्यों छोड़ते हैं ऐसे रोड पर, क्या ही बोलना किसी को। और ये सामने देख सकते हैं, यहाँ पर एम्स हॉस्पिटल आने वाला है, और मैं यहाँ से ऐसे ही टाइम पास करते हुए निकल रहा था, तो मैंने फ़ोन अटैच करके वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। अरे एक यूट्यूबर क्या कर सकता है, सिर्फ वीडियोस, ब्लॉग वगैरह यही चीज़ें बना सकता है। सपोर्ट करने वाले तो पब्लिक है, जो व्यूज़ आप हमें देंगे उस वजह से तो हमारा कुछ होगा। अभी हमारा चैनल ही मोनेटाइज नहीं हुआ है, व्यूज़ ही ठीक से नहीं आ रहे हैं। 1000 सब्सक्राइबर अब होने वाले हैं कुछ दिन में, अगर आप कोशिश करो तो हमारे 1000 तो पूरे करा दो मेरे भाई। आजकल के जो मोटो ब्लॉग है वो मोटो ब्लॉग नहीं रहे, आधे से ज़्यादा तो रेसिंग ब्लॉग हो गए। उसमें क्या है, व्यूज़ तभी आएगी अगर आप रेस करते हो, या फिर स्टंट करते हो, या फिर ऐसे रिएक्शन वीडियोस बनाते हो। तो हमारा तो ऐसा कुछ नहीं है यार, हम ना तो रेस कर रहे हैं ना तो कुछ रिएक्शन वीडियो बना रहे, तभी आप व्यूज़ नहीं दे रहे। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर टैलेंट नहीं, ठीक है। बाकी आप नज़ारे का आनंद लेते रहिए, और क्या, बाकी क्या ही बोल सकते यार। जब मैं कभी सुपर बाइक लूँगा तब मैं आपको दिखाऊंगा स्टंट वगैरह सब कुछ, जो भी आपने देखना हो, रेस करनी हो, सब कुछ करेंगे अपनी लाइफ के साथ। तो वैसे बहुत जल्दी लोग फेमस हो जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, वो अभी वीडियो बनाई थी, वो छोटा बच्चा जो पानी मांगता है, कितनी मस्त वीडियो है यार, अंकल जी पानी दे दीजिए। तुम्हें पानी पीना है, पी लिया? हाँ पी लिया, बिल्कुल पी लिया, पेट भर गया उसका। अरे सर से पानी पिएगा क्या, उसके सर पे डाल दिया उसने पानी। यार आजकल ना इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा रील्स ऐसी वायरल हो रही है, कुछ भी, मतलब जो थोड़ा सा भी जिसमें आदमी चिल्ला के बोलता है या फिर ऐसे थोड़ी गाली वगैरह दे देता है, वो जब बहुत जल्दी फेमस हो जाते हैं, बहुत जल्दी वायरल भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा व्यूज़ आने लग जाते हैं, और वो लोग फेमस हो जाते हैं तगड़े वाले। अरे ये तो ठीक है, एक और फेमस है यार, वो क्या है, वो क्रिकेट खेलते हैं जो वहाँ पे और माइक लेके आता है, जल्दी यहाँ से हटाओ, जल्दी वहाँ से हटाओ, ऊपर चल रहे, चल। यार इसके जो ना जो गाली वाले सीनों मैंने हटा लिए हैं, क्योंकि सभी मेरे वीडियोस देखते हैं, तो उसके लिए मैंने गाली वाली वीडियोस हटा दी है। पर ये बहुत ज़्यादा मस्त है, आप खुद देख सकते हैं कितना मस्त है, और ऐसे भी आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा ये तो। आजकल ना ऋषिकेश की रोड बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, क्योंकि यहाँ पे G20 सम्मेलन हुआ था कुछ दिन पहले, तो उस वजह से सरकार ने यहाँ पे रोड पे बहुत ज़्यादा काम किया, और रोड पे नहीं मतलब पूरे ऋषिकेश पे अच्छी तरह से काम किया, तब जाके ये रोड इतना अच्छा चलने लायक बन चुका है। और आगे से जो ये लेफ्ट वाला रोड जा रहा है, ये जाता है ऋषिकेश के प्राचीन वीरभद्र मंदिर में, जो यहाँ का बहुत पुराना मंदिर है वहाँ के लिए। यहाँ पे भी शिवरात्रि में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, वहाँ के लिए ये वाला रोड जाता है जो आप देख सकते हैं यहाँ से। और इसी के साथ मैं करता हूँ अपने ब्लॉग को यहाँ पर एंड, और मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप मेरे बाकी वीडियोस का आनंद लें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मेरे ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। बाय।